नमस्कार दोस्तों, अभी हम देखने वाले हैं कि किसी को अगर हमें व्हाट्सएप मैसेज भेजना है और उसका कॉन्टैक्ट नंबर अपने फ़ोन में सेव नहीं है तो हम उसको कैसे मैसेज भेज सकते हैं। देखिए, आप खुद को तो पता ही होगा कि जिसको भी हमें मैसेज भेजना है तो उसका व्हाट्सएप नंबर या फिर वो जिस नंबर पर व्हाट्सएप यूज कर सकता है वो नंबर अपने कॉन्टैक्ट बुक में ऐड होना ज़रूरी रहता है। अगर किसी का नंबर अपने फ़ोन बुक में ऐड नहीं है तो नॉर्मली हम उसको व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं भेज सकते क्योंकि वो अपने व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट लिस्ट में नहीं दिखता है। और बहुत सी बार हमें ज़रूरत पड़ती है कि किसी अननोन पर्सन को मैसेज भेजना है पड़े तो ऐसे में हमें उसका नंबर सेव नहीं है तो बहुत परेशानी होती है। अब पहले तो कॉन्टैक्ट में जाओ, उसका नंबर टाइप करो, ऐड कॉन्टैक्ट करो, उसको ऐड करके सेव करो, सेव करने के बाद व्हाट्सएप ओपन करो, उसमें कॉन्टैक्ट में जाओ, उसमें वापस रिफ्रेश करो, जब उसका कॉन्टैक्ट उसमें दिखाई देने में पड़ेगा, कॉन्टैक्ट लिस्ट अपडेट हो जाएगी, फिर आप उसका व्हाट्सएप नंबर ओपन करके उसको व्हाट्सएप भेज सकते हैं। इसमें बहुत सा टाइम भी जाता है और बहुत सी बार हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि बाद में फ्यूचर में हम उसके साथ कभी भी बात भी नहीं करते हैं क्योंकि बहुत से बार ये ऑफिशियल काम रहता है या एक दो मिनट का काम, एक दो दिन का काम रहता है तो उसके बाद हमारा उसके साथ कभी संबंध आता नहीं है, कांटेक्ट हम करते नहीं है। तो ऐसे में अगर क्या हो कि हम जैसे SMS भेजते हैं वैसे ही किसी आदमी को अगर हमें व्हाट्सएप मैसेज भेजना है या फाइल भेजना है तो उसका नंबर सेव किए बिना ही अगर हम उसको भेज पाए ये आसान है। वो हम कैसे कर सकते हैं मैं अभी आपको बता रहा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप का मोबाइल में जहाँ पे आप व्हाट्सएप यूज करते हैं या फिर आपके कंप्यूटर में जहाँ पे आप व्हाट्सएप यूज कर सकते हैं उसमें आपको ब्राउजर ओपन करना पड़ेगा। जरूरी नहीं कि आपको गूगल क्रोम ही ओपन करना है, आप कोई भी ब्राउजर ओपन कीजिए, सफारी ओपन कीजिए, क्रोम ओपन कीजिए, मोजिला फायरफॉक्स ओपन कीजिए या इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन कीजिए, कोई भी आप ब्राउजर ओपन कीजिए। उसके एड्रेस बार में जाना है, एड्रेस बार में आपको उसमें लिखना है WA, ठीक है, WA.ME, ठीक, एक स्लैश देना है। स्लैश देने के बाद आपको कंट्री कोड टाइप करना है। अगर आप जिस मोबाइल नंबर को व्हाट्सएप मैसेज करना चाहते हैं वो नंबर अगर इंडिया का है तो आपको इंडिया का कंट्री कोड डालना है 91। अगर वो किसी अलग कंट्री का है तो उस कंट्री का कंट्री कोड टाइप करना है जो भी रहेगा 92930101461443, जो भी बाहर की कंट्री का कंट्री कोड रहेगा वो कंट्री कोड टाइप करना है। वो कंट्री कोड टाइप करने के बाद आपको मोबाइल नंबर टाइप करना है जिसको आप मैसेज भेजना चाहते हैं। मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद आपको क्वेश्चन मार्क देना है और क्वेश्चन मार्क देने के बाद आपको लिखना है टेक्स्ट TEXT, टी फॉर तमिलनाडु, ई फॉर इंग्लिश, एक्स फॉर जेरक्स, टी फॉर तमिलनाडु। ओके, ये आपका हो गया फॉर्मेट। ये फॉर्मेट मतलब आप कभी भी किसी को भी व्हाट्सएप पे मैसेज करना पड़ेगा जिसका नंबर आपके फोन बुक में सेव नहीं है तो आपको यही फॉर्मेट यूज करना है। सेव इसमें चेंज क्या होगा, आपका मोबाइल नंबर, यहाँ पे जो मोबाइल नंबर है ना सिर्फ ये मोबाइल नंबर चेंज होता रहेगा। अब ये टाइप करने के बाद आपको मैसेज टाइप करना है कि उसको क्या मैसेज भेजना है, तो आपको इज इक्वल टू टाइप करना है और मैसेज टाइप करना है, हाई करता हूँ, ठीक है, हाई मतलब ये मेरा मैसेज हो गया। अब इस नंबर को अगर मैं मैसेज भेजूंगा तो ये हाई जाएगा उसको। अब मैं एंटर करने के बाद देखिए ये विंडो आएगा, व्हाट्सएप का टैब ओपन हो जाएगा, लिख के आएगा चैट ऑन व्हाट्सएप विद दिस नंबर, कंटिन्यू टू चैट, नीचे आपके बॉय में आया मैसेज हाय, ठीक है, तो आपको कंटिन्यू टू चैट ऑप्शन करना है। अगर आप ये मोबाइल पे कर रहे हैं तो आपको कंटिन्यू चैट की जगह पे वो डायरेक्ट व्हाट्सएप में ही ओपन हो जाएगा, व्हाट्सएप के मैसेज बॉक्स में वो नंबर दिखाई देगा और डायरेक्ट मैसेज विंडो नीचे ओपन होगा, आपको सिर्फ मैसेज टाइप करके सेंड करना है, तो फिर सिर्फ एंटर किया तो वो हाई मैसेज उसको जाएगा। अब देखिए जबकि ये मैं कंप्यूटर पे चेक कर रहा हूँ तो ये बताएगा कि लुक्स लाइक यू डोंट हैव इंस्टॉल व्हाट्सएप,
मेरे कंप्यूटर पे व्हाट्सएप इंस्टॉल नहीं, ऐसा बोल रहे हो तो मुझे डाउनलोड करने की जरूरत नहीं। ये देखिए और यूज व्हाट्सएप वेब, तो मैं व्हाट्सएप वेब सिलेक्ट करता हूँ तो मेरा ब्राउजर में ही व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा। जैसे ही मेरा ब्राउजर में व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा तो मुझे डायरेक्ट विंडो आ जाएगा जिस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेजना है, क्योंकि वो नंबर मैंने वो फॉर्मेट में डाला था। ये देखिए ये ऊपर नंबर आया है जिसको मुझे मैसेज भेजना है, ये जबकि मेरे लिस्ट में सेव नहीं है। और ये बॉडी में आया नीचे लिखे हाय। अब आप ये एज इट इज मैसेज उसको भेजिए, हाय जाएगा। अब यहाँ पे आप उसको कुछ भी मैसेज भेजना है तो यहाँ पे टाइप करके भेजिए, यहाँ पे इमोजी टाइप करके भेजिए, यहाँ पे कोई फाइल भेजनी है, वॉइस फाइल, वीडियो फाइल, पीडीएफ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, कोई भी फाइल आपको भेजनी है अटैच करके नॉर्मल आप व्हाट्सएप का यूज कर सकते हैं। ऐसे आपको किसी भी नंबर पे मैसेज आप भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे जो आपके इसमें सेव नहीं है। ये देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं आपको कंट्री कोड 91 और बाद में मोबाइल नंबर। बस आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। शुक्रिया।